हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया और कल मार्केट क्या कर सकता है। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट था, बहुत ही ज़बरदस्त रैली मार्केट में आई। जितने भी कॉल सेलर्स थे सबको मार्केट ने भगा दिया है आज पूरा पूरा का पूरा। लेकिन सुबह अगर देखेंगे मार्केट बिल्कुल प्राइस एक्शन तो फॉलो कर रहा था, लेकिन इमिजिएटली जो है न बाइंग के लिए आ रहा था न सेलिंग के लिए आ रहा था, जैसे हमने टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो मूव था ये हमने पकड़ा था, ये वाला मूव यहाँ से यहाँ तक 700 तक हमने पकड़ा था बिल्कुल बॉटम से। और प्रीमियम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 21,600 का जो पी था सी था सॉरी, ये वो चल रहा था 80 से 84 रुपीज़ चल रहा था। यहाँ पे हमने बॉटम पे कैच किया था, उसे पकड़ा था। तो यहाँ से अगर यहाँ तक का हमने उसे होल्ड किया था, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो 160 लगभग हाई लगा चुका था और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे इस लो के नीचे बन रहा था। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैंने बोला था, लेकिन इतनी वॉलीटिलिटी मार्केट में थी, यहाँ से सडनली मार्केट ने डाउन साइड फिर से एक लो लगाया। यहाँ पे 21,700 से लेके 637 लगभग दिख रहा है यहाँ पे लो जो है 34। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ पे नहीं बचा, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ 118 से 112 कुछ तो आ रहा था। तो ये वाला जो मूव है ये हम पकड़ नहीं पाए, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़तरनाक शॉर्ट कवरिंग आया था यहाँ पे। तो ये वाला 160 से लेके सडनली वो ड्रॉप होके 100 रुपीज़ पे आया था। फिर 100 रुपीज़ से जब वो ऊपर गया तो लगभग मेरे ख्याल से 200 एंड 300 रुपीज़ गया था यहाँ से। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला रैली आया था। तो कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो पहले आवरली चार्ट में लगा देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये वाला जो है मार्केट अगर देखेंगे आप, तो ये वाला तो पैटर्न है ही, इसका ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पे दिया है। निफ्टी का चार्ट है ये 1 आवर का चार्ट है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये वाला पैटर्न दिख रहा है जो स्क्वीज़ पैटर्न होता है ना ये वाला, लेकिन ये जो है आप देखोगे तो इंटरेस्टिंग है कि ये उल्टा चल रहा है इस तरीके से। अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी मैं आपको दिखाऊँ, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार पहले यहाँ पर देखो तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये आपको 1 आवर के चार्ट में दिख रहा हूँ मैं, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है हमें। तो 15 मिनट में अगर देखेंगे तो ये आपको क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पे। तो अगर देखेंगे तो ये स्क्वीज़ पैटर्न एक उल्टे तरीके का स्क्वीज़ पैटर्न होता है, ये आपने शायद ही थोड़ा कम देखा होगा। तो ये उल्टा चलता है, जैसे कि हम इस तरीके से चलते हैं और फिर ब्रेकआउट होता है, तो इसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो यहाँ से अगर गिरता है तो फिर नीचे डाउन साइड जो है यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ तक मतलब ये पैटर्न का मैं बता रहा हूँ। तो हमें ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिल चुका है इसका, तो इसका ऊपर साइड का जो टारगेट है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका लेंथ होता है, यही हम ऊपर की साइड प्रोजेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऊपर की साइड का जो लेवल निकल के आ रहा है ये वाला, ये हमें नेक्स्ट वीक में या फिर आने वाले 1-2 दिन में शायद हो सकता है, अगर ये रैली कंटिन्यूशन में जाए तो देखने मिल सकती है। लेकिन मोस्टली मैं मतलब ये एक नया ऑल टाइम हाई है जो कि 21,141 का मुझे यहाँ पे इस पैटर्न का जो प्रिडिक्शन मतलब ये टारगेट होता है ये वाला, मुझे कहीं ना कहीं ये वाला दिख रहा है। तो चलो इंट्राडे में अभी बात कर लेते हैं कि ये मैं हटा देता हूँ पैटर्न। तो ये वाला जो लेवल है 5 मिनट में हम देख लेते हैं एक बार। तो अगर कल जो है मार्केट यहाँ पे फ्लैट अगर ओपन होता है, तो पहले फ्लैट की बात कर लेते हैं। फ्लैट अगर ओपन होता है और यहाँ पे कुछ टाइम पे तक वेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो ऊपर की साइड ज़्यादा टारगेट नहीं है। इमिजिएटली अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 21,000 लगभग 90 का या 90
900 का ही आप पकड़ के चलिए, 21,900 का एक इमिजिएटली रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 21,960 का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जो देखेंगे थर्ड वाला 21,000 मतलब ये 22,000 का ही रेजिस्टेंस है मार्केट के पास, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होके ऊपर की साइड अगर निकलता है तो हम ऊपर की साइड तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये वाली जो रैली आई है आज पूरी, तो इसका रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं पेंडिंग है। तो यहाँ पे अगर जाके यहाँ पे मार्केट अगर कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और सॉरी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर देता है तो हम नीचे की साइड ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर से जो फॉल होगा तो ऊपर की साइड ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे कल। तो मैं फिर भी ये रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये 21,894 या 900 आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा रेजिस्टेंस जो है 21,960 का रहेगा, और थर्ड जो रेजिस्टेंस है 22,000 का रहेगा हमारे पास। तो इसमें से किसी भी रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले और नीचे की साइड अगर निकलने की कोशिश करे और रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो हम डाउन साइड के लिए एक रैली देख सकते हैं कल के मार्केट में, या फिर मार्केट हो सकता है कि फ्लैट ओपन होके मार्केट साइडवेज जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। अगर मार्केट साइडवेज जाता है फ्लैट ओपन होके, जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस 12 बजे के आसपास, तो उस साइड हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये जो प्रीमियम आज जो बढ़ चुके हैं सी साइड के, तो वो कहीं ना कहीं कल डिके होने वाले हैं, तो उनको मार्केट जो है साइडवेज रखना पड़ेगा। अगर सेलर्स को जो प्रॉफिट लेना है तो वो लोग मार्केट को ज़्यादा करके साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देंगे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने मिल सकता है। तो ये ऊपर की साइड के रेजिस्टेंस आपको पता चल चुके हैं। तो नीचे की साइड अगर देखेंगे तो मार्केट के पास सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर इस लो के नीचे जो 21,779 का है, 21,790 का या पकड़ के चलिए 90 से लेकर 95, ये इसके आसपास अगर ओपन होता है गैप डाउन, तो हम यहाँ से सीधा डाउन साइड के लिए हमारे पास जो सपोर्ट बन के आएगा, ये फर्स्ट सपोर्ट हमारा 21,650 या 60 का आप पकड़ के चलिए, ये वाला होगा हमारा डाउन साइड का टारगेट, ये वाला 21,650। उससे पहले भी एक यहाँ पे है जो कि ये वाला है 21,750 फ्लैट, ये गैप अप अगर ओपन होता है स्विंग के नीचे तो फर्स्ट टारगेट 21,750, सेकंड टारगेट जो है 21,650 से लेके 60 ये वाला होने वाला है, और जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला जो है, ये हमारा फाइनल टारगेट होने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी का 21,622 या 20 का पकड़ के चलिए। तो ये थे निफ्टी के कल के लिए एनालिसिस हमारा, और ये थे कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन यहाँ पे भी हो गया 21,750 के लेवल पे, तो आप नीचे की साइड ये लेवल तक मार्केट को ट्रेड कर सकते हो, और ऊपर की साइड अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 900 के ऊपर 21,900, तो ऊपर की साइड जो है ये वाले रेजिस्टेंस आप मार्क करके रखिए, तो यहाँ से एक मार्केट में जो है रिट्रेसमेंट फिर से आ सकता है, जो कि ये रैली हुई है उसका रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं पेंडिंग है। तो ये जैसे ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस लेगा तो वहाँ से एक फॉल हमें देखने मिल सकता है, जो कि इसका रिट्रेसमेंट का 50% भी आप अगर मार्क करेंगे, ये जो रैली आई है यहाँ से ब्रेकआउट हम पकड़ेंगे, इसका अगर 50% भी हम मार्क करेंगे तो 21,748 ये लेवल हमें निकल के आ रहा है, या फिर हम ये पूरा दिन का ही 50% इस जो डेली कैंडल में है 50% है, तो 700 तक हम एक रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं, और फर्दर फॉल हम उसके नीचे
देख सकते हैं जो कि 21,650 है। तो चलिए बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कौन से लेवल हम इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो सिमिलर तरीके से बैंक निफ्टी शुरू से गैप डाउन होने के बाद ये रेजिस्टेंस जब मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा शुरू में वोलाटाइल था और प्रॉपरली जो मार्केट का ट्रिकी पार्ट था सुबह का जो मार्केट था फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि डायरेक्शन ही समझ में नहीं आ रहा था मार्केट में मार्केट करना क्या चाहता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट ने जो है ये वाला रेजिस्टेंस था मार्केट के पास ये वाला, तो मार्केट ने ये कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है। एक मिनट, बैंक निफ्टी ने भी ये वाला जो रेजिस्टेंस था जो रेजिस्ट कर रहा था 1, 2, 3, 4 बार तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे रिट्रेस करके सस्टेन कर रहा है। लेकिन मार्केट के पास ये वाला जो है रेजिस्टेंस है मेन, ये वाला जो है ऊपर का ये वाला रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी तो ये वाला हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस आने वाला है, ये वाला जो कि है 46,180 का, ये रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये डबल टॉप भी बन जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पे डबल टॉप बना और ये इस तरीके से कुछ एम पैटर्न भी फॉर्म होगा, फिर यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजिशन बना सकते हो। इसका भी जो ये रैली आई है तो इसका भी अगर 50% आप मार्क करेंगे डेली कैंडल का तो इसका भी रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं इस 40 मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये 50% रिट्रेसमेंट जो है यहाँ तक हमें देखने मिल सकता है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है इसे भी हम मार्क कर देते हैं जो कि है 0.618 का, और उसके नीचे फर्दर अगर निकलता है मार्केट तो मार्क कर देते हैं इसे हम, ये वाला है हमारा थर्ड टारगेट, ये वाला है हमारा सेकंड टारगेट, ये वाला है हमारा फर्स्ट टारगेट, इसे मैं हटा देता हूँ अभी। तो मार्केट अगर एम पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो फर्स्ट टारगेट जो होगा 45,544, सेकंड टारगेट 45,370, इसके नीचे निकलता है तो 45,150 का आप पकड़ के चलिए। तो ये लेवल जो है आप मार्क कर सकते हो। अभी ऊपर की साइड में जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, क्योंकि ये जो रैली आई है और मार्केट ऊपर जाना मतलब ये बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है आज, तो कल कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट करके ही मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। और मार्केट अगर सीधा ही गैप अप अगर ओपन होता है 46,180 के ऊपर तो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो है 46,350 का इमीडिएटली रेजिस्टेंस है मार्केट के पास, उसके बाद अगर देखेंगे तो 46,480 का फिर से एक रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस ये वाले जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे कल आ सकता है रिट्रेसमेंट के लिए। तो ऊपर की साइड में लेवल जो है अगर आपको चाहिए तो मैं जो लाइव मार्केट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलता है तो। तो कल का ओपनिंग जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, और आज का ये मार्केट क्यों भागा या फिर ये फॉल जो था ये मार्केट फॉल क्यों किया, तो इसका मतलब रीज़न ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है ये मार्केट में तो जैसे मार्केट भागा था तो रिट्रेसमेंट भी मार्केट के पास पेंडिंग होता है, तो उसी वजह से जो है मार्केट ये फॉल या फिर ये रिकवरी जो है मार्केट देता है। तो ऐसा कुछ रीज़न नहीं है मार्केट भागने का। अगर आप स्टॉक देखोगे या पोर्टफोलियो अपना देखोगे तो पोर्टफोलियो में स्टॉक जो है उन्होंने कुछ मूवमेंट नहीं किया है, बस ये जो इंडाइसिस है दोनों ये कहीं ना कहीं बुलिश हमें दिख रहे हैं। तो कल का ओपनिंग दोनों का इंडाइसिस का जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हो सकता है कल बैंक निफ्टी भी इसी रेंज में जो है ट्रेड करता रहे यहाँ पे साइडवेज जाके, क्योंकि निफ्टी का कल एक्सपायरी होने वाला है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो।
ये गोल्डन बुल्स नाम से है। यहाँ पे हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुछ इंडिकेटर्स के इंडिकेटर्स का वीडियो होता है, स्ट्रेटजी जो होती है इंडिकेटर बेस्ड, उसका वीडियोस हम डालते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी के जो है डेली एनालिसिस वीडियो, कुछ स्टॉक्स होते हैं, कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं, और हमने कुछ ज़बरदस्त पेनी स्टॉक्स भी है, ये हमने हमारे टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ये रेणुका शुगर जो है अभी पॉजिटिव हुआ था, इसका मैंने बाइंग लेवल दिया था, इसे आप कहाँ पे बाय कर सकते हो, कितना स्टॉप लॉस होगा और ये क्यों भाग सकता है, इसका डिटेल एनालिसिस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। रेणुका शुगर और बजाज हिंद शुगर जो है ये दोनों शेयर का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर देखेंगे इजी माई ट्रिप सुजलोन का मैंने टारगेट दिया था, बाइंग प्राइस दिया था, तो ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं एनालिसिस, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग के लिए। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप कुछ भी अगर बाय सेल करते हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही बाय सेल करना। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला जो मैंने ट्रेड दिया था, ये मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। ये वाला जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है एक राइट हैंड कॉर्नर में, इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इस चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। जो लाइव मार्केट में हम लेवल्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ये देखो मैंने ये 50 रुपीज़ में बाइंग दिया था, जो लगभग इसने 242 का हाई लगाया है, ये निफ्टी का कॉल था मेरा। तो इस चैनल से अगर आपको जुड़ना है तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो, और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।